तो कोई पानी छानी पिलाया, कोई टेंट छंट कोई कुछ पूछा नहीं भाई, बच्चे पेपर चलो तो ही कमरा देते आगे अंदर जा कोई है कोई नहीं पूछा फिर 42 दी टम्परेचर पता तुम्हें तो नहीं पता भाई इन्हें पता पानी पिला नहीं पिला लो आंटी जी लो। जम्मू के कच्च छोड़नी से ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर इस समय जम्मू की बात करें तो जम्मू में टेम्परेचर जो है वो लगभग 40 के पार चल रहा है, लेकिन ऐसे में आज जम्मू के परेड इलाके में कायम जो वुमेन कॉलेज है यहाँ पर जो है वो CUET का एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में जो भी पेरेंट्स यहाँ पर दूर दूर से चाहे वो कठुआ सांबा की बात करें, बनी बसोली की बात करें, डोडा किश्तवाड़ की बात करें, तो तमाम जो बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सड़क किनारे यहाँ पर बैठे हैं। और ऐसे में राकेश शर्मा जी जो कि यहाँ के लोकल हैं वो यहाँ पर आगे आए हैं और ऐसे में इन्हें जो है वो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है बांटते हुए चलो मैम कितनी देर से आप यहाँ पर इस तरह से बैठे हैं भैया? मुझे जा पूछ लो जम्मू के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन परेड ग्राउंड जम्मू से ये तस्वीरें। यहाँ पर आज CUET का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया गया है, लेकिन इस बीच जो बच्चे जिन बच्चों के साथ पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं उनके लिए कोई भी किस तरह का बंदोबस्त यहाँ पर नहीं किया गया है, और जिसके चलते आप सब लोग ये जानते हैं कि जम्मू में आज गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है। हालांकि पिछले काफ़ी दिनों से मौसम जिस तरह से साफ बना हुआ है और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा गर्मी जो है वो जम्मू में यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो इस समय यहाँ पर किस तरह से परेशानी में हैं। और ऐसे में राकेश शर्मा जी की बात करें जो कि कांग्रेस पार्टी से ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हैं, वो यहाँ पर जो है वो लोगों को यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह दे रहे हैं ताकि लोगों को यहाँ जो है वो यहाँ पर परेशानी ना हो। ले आपको यहाँ पर खड़े कितना टाइम हो गया? स्टार्ट हुआ था कब है? कितना बजे स्टार्ट हुआ था? तीन तो किसी ने कोई पानी नहीं पूछा? कोई अंदर बाबू बैठे हुए अंदर वो खुद एसी में बैठे हुए हैं, आपको नहीं पूछा पानी पियो या कुछ पियो? भैया कहाँ से आप? मैं इधर ही जम्मू से। अच्छा तो आपकी किसका पेपर है? मेरे भाई का, छोटे भाई का पेपर है। तो यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज्यादा, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो रही है गर्मी में, बट चलो अंदर नहीं है कोई इंतजाम अभी तो ऐसा कुछ नहीं। कहाँ कहाँ से बच्चे आए हैं कुछ पता है? इतना तो नहीं पता, मतलब काफी दूर दूर से आए हैं, काफी दूर। राकेश जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से? सर मैं आधा घंटा यहाँ से पहले गुजरा हूँ, मैं राकेश शर्मा हूँ, ब्लॉक प्रेसिडेंट जम्मू डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का। मैं आधा घंटा पहले यहाँ से गुजरा हूँ, तो मैंने यहाँ से देखा कि यहाँ से लेकर नीचे तक रेलवे हाई सेकेंडरी स्कूल तक लाइन लगी हुई पेरेंट्स की, ना कोई इनको पानी है, 41-42 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर पड़ रहा हो, ना कोई अपना पंखे का इंतजाम है, बेचारे नीचे बैठे हुए आप यहाँ पर दिखा देते हो। और मैंने 2-3 बंदों को पूछा कि ये कोई पानी छानी बोलता, भैया कोई नहीं आया। फिर उसी वक्त मैं वहाँ पर गया हूँ, मैंने आपको कॉल की, मैंने सर ऐसे ऐसी हालत है, ये देखो क्या हालत है यहाँ पर, आप प्लीज लीजिए ठीक है पकड़िए। तो मैंने यहाँ पर देखा कि पेरेंट्स यहाँ पर गर्मी में इतने मतलब 42 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है ठीक है, या ना यहाँ पर टेंट की व्यवस्था है, क्या इतना बड़ा यहाँ पर कॉलेज है, क्या पेरेंट्स के लिए अंदर कोई क्लासरूम या कोई अपने टेंट लगाकर कोई व्यवस्था नहीं हो सकती थी? टेंट के लिए पानी के अरेंजमेंट नहीं हो सकता था? हम वादे करते हैं भाई सबका विकास, सबका हाथ, सबका विकास, लेकिन पेरेंट्स यहाँ पर 42 डिग्री टेम्परेचर पर यहाँ पर बाहर खड़े हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये परेशान है, इनको पानी, चलो थोड़ा बहुत पानी पिला दें। मैंने कहा आपको फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, यहाँ पर आओ यार, इनके बच्चे बेचारे यहाँ पर अंदर पड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन बाहर पेरेंट्स खज्जल हो रहे हैं, ना इनको पानी की व्यवस्था है यहाँ पर, ना इनको टेंट की व्यवस्था है। शुक्र को यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, अगर यहाँ पर पेड़ नहीं होते तो उनकी क्या हालत होती? तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ गवर्नर साहब को कि प्लीज़ जब भी कोई ऐसा वैसा कोई एग्ज़ाम हो तो बाहर पेरेंट्स के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की जाए पानी की या टेंट की, ताकि इनको कोई परेशानी ना हो।
तो मैंने इनको देखा तो मैंने चलो इनको पानी वगैरह पहुंचा देते हैं। सल्यूट करना होगा राकेश शर्मा जी को जो यहाँ पर आगे आए हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज की तरफ से कोई भी बंदोबस्त यहाँ पर बच्चों के पेरेंट्स के लिए नहीं किए गए थे कि जब वो यहाँ पर बच्चों को छोड़ने के लिए यहाँ पर आएंगे तो वो जो है वो तब तक कहाँ पर बैठेंगे जब तक जो है वो एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है काफ़ी दूर दूर से जो है वो पेरेंट्स यहाँ पर अपने बच्चों के साथ उनका एग्ज़ाम दिलाने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं, लेकिन ऐसे में यहाँ पर कोई भी जब इंतज़ाम नहीं है तो ऐसे में पेरेंट्स जो है वो काफ़ी निराश भी हैं कि आखिरकार ये सब क्यों किया गया, लेकिन ऐसे में उनके लिए बंदोबस्त का होना यहाँ पर ज़रूरी था। तो आप जनता भी अपने सुझाव ज़रूर दें कि आखिरकार ऐसी जगहों पर एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है और ऐसे में इस तरह से अगर पेरेंट्स को बाहर बैठना पड़ेगा तो कितनी परेशानी जो है वो हो सकती है। देखते हैं जम्मू ट्रिब्यून कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर जम्मू।